यानी दूध की घाटी। जम्मू और कश्मीर के बाकी हिल स्टेशन की तरह ये भी बेहद शांत और बहुत ही खूबसूरत है। दूध पथरी, ये सुनने में कुछ अजीब लगता है ना? कश्मीरी भाषा में घास के मैदान को पथरी भी कहा जाता है। और रही दूध की बात, तो उसकी एक अलग कहानी है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले घूमा था पहलगाम। पहलगाम से हम गए सोनमर्ग, सोनमर्ग से हम सीधा श्रीनगर घूमा। उसके बाद कल गुलमर्ग गए थे, आज हम लोग जाने वाले हैं दूध पाथर, जिसको दूध पथरी भी कहते हैं। तो फिर चलिए, और ये हमारा सेकेंड दूध पथरी जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारे सेब के बगान मिले, तो आज अभी हम लोग रास्ते में इस वाले सेब बगान को देखने के लिए रुके हैं। ये देखिए, पहले तो यहाँ पर एक अखरोट का पेड़ है जहाँ बहुत सारे अखरोट लगे हुए हैं। ये कितना बड़ा सेब का पेड़ है। जम्मू और कश्मीर वर्ल्ड में एप्पल के सबसे बड़े प्रोडक्शन मार्केट में से एक है। यहाँ से वर्ल्ड के कई हिस्सों में एप्पल का सप्लाई होता है। एप्पल के प्रोडक्शन में इस समय इंडिया वर्ल्ड में 7th नंबर पे है। इंडिया में टोटल एप्पल प्रोडक्शन का 80% कश्मीर से आता है। पथरी जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले में सी लेवल से 8,957 फीट की ऊंचाई पर है। ये श्रीनगर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। अभी मैंने यहां से 2 स्टारबक्स कॉफी ली है, अभी यहीं से हम ऊपर जाएंगे वाटरफॉल के पास बैठ के। हम रोज घोड़े पे बैठ के जाते थे, आज हम लोग टहलने का ही सोच रहे हैं। तो फिर वॉक करके जाएंगे पूरा। मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं। ये मसाला रोटी कश्मीरी फ्रेंक वेज है। कश्मीरी फ्रेंक? हाँ, मसाला रोटी है। मसाला रोटी तीखा बनाया, नान तीखा बनाया, हम दूध पथरी में आ चुके हैं। यहाँ से हम वाटरफॉल के पास जाएंगे, और यहाँ पर कुछ ट्रैकिंग स्पॉट्स हैं। यहाँ पर आपको इतना टाइम लगेगा, ट्रैकिंग स्पॉट आप देख सकते हैं आपके हिसाब से आपको। कश्मीर के सूफी संतों की लंबी परंपरा में 14th सेंचुरी में जन्मे शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिन्हें नंदरेशी या शेखुल आलम के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं कि वे एक बार इस जगह आए थे। उन्हें नमाज अदा करने से पहले वजू के लिए पानी चाहिए था। पानी की तलाश में उन्होंने अपनी लाठी को घास के मैदान में ठोका और जमीन से दूध निकल पड़ा। ये देख उन्होंने दूध से कहा कि वजू के लिए पानी चाहिए, दूध नहीं। इतना कहते ही वह दूध पानी हो गया। पहाड़ों के बीच इन घास के मैदानों से बहता पानी दूर से दूध की तरह लगता है, इसी वजह से इस जगह का नाम दूध पथरी पड़ गया। अभी हम लोग का घोड़े पे बैठने का प्लान तो बिल्कुल नहीं था, पर इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि पूरा 4 पॉइंट आराम से घुमा देंगे, तो हम लोग घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। मेरा तो वो व्हाइट वाला है, सब बोल रहे हैं।
ये मेरे सामने एक गुफा है जो ट्रेन लोग होते हैं वो लोग इसमें जाते हैं। इधर पूरा दूध पत्री का व्यू दिख रहा है, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उधर से पानी आ रहा है। आप यहाँ कितनी भी दूर चले जाएं, मगर आपको नदी के पानी की आवाज हमेशा आएगी। यहाँ की एयर भी बहुत अच्छी है, एकदम फ्रेश एयर आ रही है। ये पत्थर है, पत्थरों के ऊपर भी पेड़ जमे हुए हैं। यहाँ जब बर्फ और ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होते हैं तो उनका पानी इन्हीं रास्तों से बहते हुए आगे जाकर नदियों में मिल जाता है, और ये गर्मियों में लगभग पूरी तरह सूखे रहते हैं। पैर पे मिट्टी लग गई। अब हम यहाँ से अपने फर्स्ट ट्रैकिंग पॉइंट दिस्कल जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है। अभी घोड़े भी रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ऊपर चढ़ के आए हैं। अभी वहाँ सामने घर है, हम उनको भी अंदर से थोड़ा देखेंगे कैसे होते हैं, क्योंकि ये घर यहाँ के मवेशियों के लिए है। यहाँ जो बकरी चराती है, गाय चराते हैं, ये सब के लिए घर होते हैं। और ये मैंने लिया घोड़े को भगाने के लिए। अभी तो हमें पूरा यहाँ से ऊपर घोड़े में बैठ के उधर तक जाना है, और पैदल तो आ नहीं सकते हैं, बहुत ट्रैकिंग होता है। फिर अभी पर कुछ खाने पीने के लिए अभी यहाँ तो नहीं है, आगे शायद मिले, नहीं अभी के लिए कॉफी लेकर रखी है। अभी सब लोग अंदर जा चुके हैं, वो घर देखने हम भी चलते हैं। ये पूरा मिट्टी का घर है, इसके ऊपर भी मिट्टी है। ये मदद करता है, ये गर्मियों में ठंडा रहता है घर, और ठंडियों में गर्म रहता है, इसका ये फायदा है। तो मुर्गे पाल रखे हैं, अंदर जाएंगे। यहाँ पर जाने के सोते, यहाँ खाना बनता है। हाँ, ये साफ करता है ना। अच्छा, लिपाई करते हैं। अच्छा, लिपाई करता है। अच्छा, लिपाई करता है। हवा लगती होगी अच्छी अच्छी बाहर में। पूरी मिट्टी की स्मेल आ रही है वहाँ, सब नमक और खाना वाना रखा हुआ है मतलब बनाने के लिए।
पर ये लोग अपने खुद के घोड़े रखते हैं ऊपर नीचे आने के लिए। कितनी अच्छी लोकेशन पे इन लोग का घर है, तो सामने घर से निकलते हैं इतने पूरा खाली मैदान है सारी पहाड़ के ऊपर। तेरा जागत भी ऐसा रहेंगे छोगे तो हिलेगा नहीं। कितना प्यारा है ये, इसमें घंटी लगी हुई है जहाँ जहाँ बजेगा। डिस्कल पहुंच गए हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, इस जगह की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग अगली वीडियो में।